सर। सर लास्ट रैशेज आई थिंक आपने अपलोड नहीं किया था, अपलोड नहीं किया था मतलब? वो मतलब जैसे आप पहले वो नोट्स बना के सेंड करते हैं ना, तो रीम्स के ऊपर अपलोड कर देते हैं, अच्छा तो अच्छा वो वो लास्ट पीडीएफ रैशेज आई थिंक फाइल नहीं था। जी सर, शायद मैं भूल गया हूँ, मुझे माइग्रेट माइंड करवा दिया करो समटाइम, मैं भूल जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि लास्ट के फोरम बात कर दूँ ताकि मैं बोलूँ ना, शायद लास्ट टाइम मैं ना किया हो। मैं कर दूंगा बात सर की, आज कर दूंगा फोरम बात। ठीक है सर, मैं रिमाइंड दोबारा फिर करवा दूंगा आपको। आज क्लास के एंड पे मैंने बता दे रहा, मैं उसी वक्त ना अपलोड कर दूंगा, जो आज मेरा ठीक है एक्सपीरियंस सर, हो गया ना वो भी साथ ठीक है ऐड सर, करेगा, तो मैं कर दूंगा। ओके ओके, सर। इसमें आप देखें स्क्रीन में हमारे पास, हमने लेक्चर नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, कि रैशनल फंक्शन को हमने ड्रा करवाया था और एडमटोड देखा था कि एडमटोड क्या होता है, और पॉलीनोमियल फंक्शन को था हमारा लेक्चर नंबर 8 जो है उसमें, जो पॉलीनोमियल फंक्शन है हमारे पास नंबर 8 में देखो, तो पॉलीनोमियल फंक्शन कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, इन सारे फंक्शंस को हम स्टडी कर चुके हैं, इनकी डोमेन रेंज और वर्टिकल लाइन टेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इस सारा डिस्कस हो चुका है। लेक्चर नंबर 9 जी में सर, रैशनल फंक्शन था, और रैशनल फंक्शन में क्या था कि जस्ट इसमें ओवर डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं किसी एक्स की वैल्यू पे वो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था, तो जहाँ पे वो जीरो होता है वहाँ पे वो हमारा फंक्शन जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर देता है, तो उसी पॉइंट जी से हम सर, लोगों आपको एडमटोड मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा काम है जी लेक्चर नंबर 10, डेट इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एंड इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली, हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये एडमटोड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वर्टिकल एडमटोड क्या है, और ये एक रैशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया था हमने एफ एक्स इक्वल टू 1/x का। ठीक है, आज हम करते हैं जी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट आर दी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास लेट से मैं कुछ ग्राफ ड्रा करता हूँ, लेट से एक ही हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये इस वाई एक्सिस, एक ग्राफ ड्रा कर देते हैं, तो लेट से दैट इज अ पैराबोला ओवर हियर। ठीक है जी, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक का तो डेफिनेटली वो पैराबोला ही फॉर्म करेगा। उसके बाद अगर हम ग्राफ ड्रा करें यहाँ पे, तो लेट्स से एक हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं, हियर इज एक्स एक्सिस, हियर इज वाई एक्सिस, और ग्राफ हम लेट से ड्रा कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, या हम लेट से चले हम डाउनवर्ड पैराबोला ड्रा कर लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक में हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है जी, और इसका फंक्शन क्या होगा जी, इसका फंक्शन होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स ठीक स्क्वायर, है, या सर माइनस एक्स स्क्वायर होगा इसका। ये एक्स एक्सिस, वी हैव अ वाई एक्सिस, और आप ग्राफ लेट्स से ले लेते हैं हम या स्ट्रेट लाइन का, हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी, और ये लेट्स से ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। ठीक, एक्स एक्स को भाई सर, अब इन ये सारी की सारी यानी कि एक्स की वैल्यूज देखो, तो लेट्स से यहाँ पे कह दी -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या होगा जी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3
एन माइनस फोर ओवर हियर। सिमिलरली यहाँ पे भी वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री। अब ये अगर आप देखो इन तीनों ग्राफ्स को तो तीनों की शेप्स क्या है डिफरेंट है। एक हमारे पास अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, एक हमारे पास डाउनवर्ड ओपनिंग में पैराबोला, और एक हमारे पास यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्योंकि लीनियर या तो मेजर स्ट्रेट फॉर्म बनेगी, क्वाड्रेटिक में अगर एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है कोफिशिएंट साइन उसके साथ तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है हमेशा, अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तब ये पैराबोलास बन गए हमारे पास, डिफरेंट हमारे पास ग्राफ बन गए। तो अगर हम कोई एक ऐसा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा डिजाइन बनाना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट कि हमें ये तीनों के तीनों ग्राफ जो हैं हमें रिक्वायर हैं लेकिन डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के लिए। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि ये जो फर्स्ट ग्राफ है मुझे जस्ट इसका माइनस टू से लेके तो प्लस टू तक जो रीजन है ना वो आपको रिक्वायर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ माइनस टू की बजाय आप ये कह लें तो लेट्स से हमें इसका माइनस फोर से लेके तो जीरो तक का जो रीजन है ना, लेट्स से माइनस फोर से लेके जीरो तक जो एक्स की वैल्यूज है ना, हमें सिर्फ ग्राफ का ये वाला हिस्सा, ये शेप हमें चाहिए। हमें इससे ऑनवर्ड जो भी ग्राफ की शेप है उससे हमें कोई गर्द नहीं है। तो आपने क्या किया, बेसिकली एक्स की वैल्यूज क्या होते हैं, डोमेन होती हैं। तो आपने माइनस फोर से लेके जीरो तक की जो डोमेन है उस डोमेन के लिए आपने ग्राफ का ये हिस्सा आपने बता दिया। अब ये हिस्सा कैसे आया, इस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, यानी कि आपकी जो डोमेन थी माइनस फोर से लेके जीरो तक उसके लिए आपको रिक्वायर था ये पर्टिकुलर शेप। तो आपने क्या किया कि माइनस फोर से लेके जीरो तक आपने क्या फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि आपने खुद से कंडीशन इम्पोज कर दी कि माइनस फोर से लेकर जीरो तक की जो एक्स की वैल्यूज हैं, यानी कि माइनस फोर से लेकर जीरो तक जो डोमेन है उसमें हमें जो शेप चाहिए, जो फंक्शन हमें चाहिए, दैट वुड बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के, और उसकी शेप क्या बनेगी, डेफिनेटली ये बनेगी। इसी तरह आगे भी आपने डिफरेंट डोमेन के लिए लेट्स से आप कहते हैं कि जीरो से ऑनवर्ड आपको जीरो से लेकर लेट्स से फोर तक आपको ये वाला शेप चाहिए, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि जीरो से लेके फोर तक जो है वी विल हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मकसद क्या है कि आपको ये वाली जो शेप है, यहाँ वाली जो शेप है, आपको ये शेप रिक्वायर है, ठीक है। तो आपने पहले इस हिस्से में ब्लू वाले ग्राफ, फर्स्ट वाले ग्राफ में सिर्फ ये शेप अटेन की, नेक्स्ट में आपने ये इस हिस्से की शेप को अटेन किया, एंड लेट्स से इससे नेक्स्ट अगर लीनियर है तो आप ये आपकी आप चाहते हैं कि जो फोर से ऑनवर्ड है ना, फोर से पॉजिटिव इन्फिनिटी लेट्स से आपको क्या चाहिए, सीधी लाइन चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि दैट विल बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो किया क्या आपने कि आपने डिफरेंट डोमेन्स के इंटरवल्स के लिए डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन कर दिया, एक जगह पे हमें डिफरेंट फंक्शन हमें डिफाइन कर दिए। तो इन सब को जब एक जगह पे कंबाइन करके एक सिंगल ग्राफ बनाओगे तो दैट वुड बी योर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन या पीस वाइज डिफाइंड ग्राफ। अब वो बनेगा कैसे कि अगर इसको हम इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो आपने क्या किया, अभी जो मैंने आपको चीज एक्सप्लेन की कि हमने एक फंक्शन लिया f(x) और आपने पहले क्या बताया कि -4 से लेकर 0 तक क्या ली, x greater than equal to -4 and less than equal to 0, उसके लिए फंक्शन क्या चाहिए था आपको, एक्स स्क्वायर, वो हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने सेकंड वाले ग्राफ पे आ गए तो सेकंड ग्राफ में क्या था जी कि 0 से लेके 4 तक आपको कौन सा फंक्शन चाहिए था, माइनस एक्स स्क्वायर का। तो माइनस एक्स स्क्वायर आपने डिफाइन कर दिया डिफरेंट डोमेन के लिए, और आगे वाली जो डोमेन थी greater than equal to 4 है, क्योंकि 4 से infinity तक अगर लिखा हुआ है you can write it as x greater than equal to 4 or you can write it as x greater than equal to 4 less than positive infinity या x greater than equal to 4, ये दोनों चीजें same information provide कर रहे हैं, infinity लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो उसके लिए function कौन सा चाहिए था, f of x equal to x वाला function हमें चाहिए था।
ठीक है, तो ये आपके पास जो नई जो फॉर्म बनी डेट इज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जो के डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता है, तो डेट इज नोन एज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। यहाँ तक बात समझ में आई है? जी सर। ओके, अब इसको ग्राफ में अगर इसी पीस वाइज को ग्राफ में अगर हम देखेंगे इसे ग्राफ, तो इसको ड्रा करके देख, लेट्स से ये हमारे पास यहाँ पे जी एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस आपने ड्रा कर दिए, लेट्स से एक्स एक्सिस एंड देयर इज द वाई एक्सिस एंड वी हैव 1, 3, 4, 5 and 6 ओवर हियर, -1, -2, -3 and -4, ठीक है जी। तो आपने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इसको देखें तो हमें ये पता है कि -4 से 0 तक जो हमारे पास है एक्स की वैल्यूज, वहां पे ग्राफ किसका बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनना चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ये शेप थी। तो -4 से 0 के दरमियान, अभी मैं रफली बता रहा हूँ आपको कि -4 से 0 के दरमियान क्या बनेगा जी, इस तरह की हमारे पास इधर शेप बन जाएगी ऐसे ही है, -4 से 0 तक। उसके बाद क्या है कि 0 से लेके 4 तक हमें क्या चाहिए -x2। तो 0 से लेके 4 तक अगर आप देखो -x2 ग्राफ की शेप क्या है, ये डाउनवर्ड शेप है, तो 0 से लेके 4 तक हमने डाउनवर्ड शेप बना दी। तो 0 से लेके 4 तक आपने क्या किया जी, यहाँ पे डाउनवर्ड शेप हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये आगे 0 से लेके लेट्स से 4 तक जी सर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्स ग्रेटर देन जो 4 है, एक्स ग्रेटर देन जो 4 है वहां पे एक्स चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 4 ये तो स्ट्रेट लाइन है एक्स की, तो एक्स 4 से स्टार्ट करो, एक्स 4 यहां पे क्या है ये जगह पे है, इससे ऑनवर्ड एक्स 4 पे हमें एक्स 4 से हमने स्टार्ट करना है और स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से शुरू होगी और ऐसे ऑनवर्ड चलती जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पीस वाइज ग्राफ बन गया कि जिसमें आपने डिफरेंट पीसेस को कंबाइन करके एक नया ग्राफ बना दिया। अब इसमें अगर नेक्स्ट चीज जो गौर करने वाली है कि ये देखो कि यहाँ पे ये जो एक्स इक्वल टू -4 है, यहाँ पे मैंने सर्कल को फिल किया है, लेकिन यहाँ पे रेड में जो 4 है यहाँ पे सर्कल को मैंने एम्प्टी रखा, इधर इस तरह इधर रेड सर्कल यहाँ पे भी एम्प्टी है, अगर आप गौर से देखो यहाँ पे भी रेड सर्कल एम्प्टी है, लेकिन जो ब्लू सर्कल था उसको मैं फिल किया हुआ है। ये क्यों किया है कि जो इंटरवल और इनइक्वालिटी वाला जो लेक्चर थे, जब आपको मैंने इंटरवल के बारे में समझाया था, तो उसमें देखो कि हमारा जो पहला ये देखो जो एक्स के वाला फंक्शन है जो -4 से लेकर 0 तक डिफाइन है, वो ये ब्लू वाला है ना, इसके बाउंड्री पॉइंट पे देखो तो -4 पे क्या है, इक्वल है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, इस इक्वालिटी की वजह से ग्राफ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कल फील हो जाएगा, इधर क्या है एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पे 0 पे भी सर्कल क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उससे आगे जाओगे तो एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 है, यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे -x2 का, तो उसके दोनों जो बाउंड्री पॉइंट है वो क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे, तो इसलिए इस रेड ग्राफ के दोनों बाउंड्री पॉइंट को हमने क्या रखा, एम्प्टी रखा, उसी ऑनवर्ड क्या था एक्स, तो इक्वालिटी आई यहां पे, वो इज इक्वल टू था, वो इससे से फिल हो गया, तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया यहां पे, फिल कर दिया जी सर। तो ये होता है हमारे पास पीस वाइज फंक्शन, कि पीस वाइज फंक्शन क्या कहलाता है, कि आप क्या करते हो कि डिफरेंट डोमेन के इंटरवल्स के लिए डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन कर देते हो और उनको एक जगह पे कंबाइन कर देते हो, तो दैट इज योर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, कि एक ही फंक्शन के अंदर हमने इन तीनों शेप्स को डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के लिए हमने
यूज कर लिया, तो डेट इज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके सो अब हम क्या करते हैं कि हम अब ये तो मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि व्हाट इज द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन और वो दिखता कैसे है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं कोई एक फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, उसको हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे कि लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू we have x cube plus 1 and let's say that would be x so x cube baad mein dete hain, so that would be minus 4 x less than equal to, ये आप खुद से कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x less than equal to, let's say हम यहाँ पे कर लेते हैं जी negative 4 ही कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं जी let's say x plus 1 and x greater than 4 less than equal to 0 and x greater than 0 less than 2 और function let's say हम ले लेते हैं x cube minus 1 और एक और ले लेते हैं हम x greater than equal to 2 just x greater than equal to 2 यहाँ पे हम ले लेते हैं जी लेट्स से 0, ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन बना दिया, लेट्स से आपको क्वेश्चन गिवन है। अब आपका काम क्या है कि आपने बेसिकली इसका अब क्या बनाना है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन ये है कि स्केच दिस पर्टिकुलर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, स्केच करना है आपने, ठीक है जी। मेन चीज क्या है कि स्केच इट। अब कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये पहला काम क्या होगा कि आप जैसे आप प्रीवियसली किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना होता था तो आप टेबल लेते थे, एक एक टेबल बनाया और उस टेबल के पॉइंट्स लोकेट किए और देन उसको बाद में पॉइंट्स को मिला दिया। तो सेम इसमें भी वैसे ही होगा, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है, उसी तरह ही होना है। लेकिन फिर आप क्योंकि यहाँ पे ये देखें, ये लेट्स से फर्स्ट फंक्शन है f1 of x है, इसी से में इस लाइन में इस जगह पे एक नया फंक्शन डिफाइन है, इस जगह पे एक नया फंक्शन डिफाइन है और इस जगह पे एक अलग फंक्शन डिफाइन है। फोर डिफरेंट फंक्शन है जो कि ये है हमारे पास, ठीक है। ये एक फंक्शन अलग से इधर डिफाइन है, ये भी एक फंक्शन डिफाइन है, ये भी एक फंक्शन डिफाइन है और ये भी एक फंक्शन डिफाइन है। और ये हमारे पास बेसिकली क्या है जी, एक डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है। अब करना क्या है कि जो जो उसकी डोमेन है उस डोमेन के अंदर इन सब के अलग अलग क्या बनेंगे, टेबल बनेंगे। तो लेट्स से f1 of x के लिए हम टेबल नंबर 1 बनाते हैं, तो दैट वुड बी अगेन x एंड y। अब इसमें x की जो वैल्यूज होंगी वो इसके अकॉर्डिंग होंगी, x less than equal to minus 4 है, तो जो इनकी बाउंड्री पॉइंट होता है वो एक लाजमी लेना आपने, जो क्या यहाँ पे माइनस फोर है तो माइनस फोर से लेस हो रहा है, तो माइनस फोर से लेस है जितनी भी वैल्यूज है आप कोई भी एक ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। क्योंकि ये कौन सा है, माइनस फोर फंक्शन है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो एफ वन ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू माइनस फोर, जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो उसके लिए आपको कोई से दो पॉइंट की जरूरत होती है ग्राफ ड्रा करने के लिए, कॉन्स्टेंट के लिए। एक तो बाउंड्री पॉइंट गेम था माइनस फोर और दूसरा इसी के अंदर से लेना है। तो ये क्या कह रहा है, लेस देन माइनस फोर, तो माइनस फोर से पीछे पीछे क्या होगा, माइनस फाइव माइनस सिक्स, तो कोई भी वैल्यू ले लो, लेट्स से हमने माइनस फाइव ले ली,
क्योंकि फंक्शन क्या था यहाँ पे, कॉन्स्टेंट था -4, तो इसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट करते रहो आंसर क्या मिलेगा आपको, -4 ही मिलता रहेगा। यहाँ के इवन के -6 भी आ रहे फिर भी आंसर क्या मिलना है, -4 ही मिलना। तो इस तरह आपने ये पहले वाले का टेबल ड्रा कर लिया। सिमिलर सेम स्टेप्स के ऊपर दूसरे वाली जो रो है, दूसरा जो फंक्शन है, उसका भी आपको टेबल ड्रा करना पड़ेगा, x एंड y। अब ये क्या है, x प्लस 1 फंक्शन है यहाँ पे, यानी अगर मैं लिख दूँ तो टेबल 2 के लिए आपको f2 ऑफ x इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेट वुड बी x प्लस 1। तो अब इसका टेबल बनाने के लिए x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कहाँ से पिक करनी है, यहाँ से इस पर्टिकुलर डोमेन, इस इंटरवल के अंदर अंदर से पिक करनी है, लेकिन बाउंड्री पॉइंट्स लाजमी देने होते हैं साथ। तो क्योंकि ये लीनियर था x प्लस 1, तो लीनियर को ड्रा करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो ये x प्लस 1 लीनियर फंक्शन था, तो 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 2 फिर क्या बेटर है कि आप दोनों क्या ले लो, बाउंड्री पॉइंट ही ले लो। तो एक बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे क्या 4 और एक बाउंड्री पॉइंट क्या था 0। x हमने 4 ले लिया और x हमने 0 ले लिया। जब 4 पुट करेंगे इसके अंदर, जब 4 पुट करेंगे x की जगह पे, तो 4 प्लस 1 5, तो यू विल गेट 5 ओवर हियर। और जब 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 1, तो ये नया टेबल हमारे पास यहाँ पे ड्रा हो गया दूसरे फंक्शन के लिए। तो ये भी टेबल हमारे पास बन गया। अब हमने टेबल नंबर 3 पे जाना है, तो टेबल नंबर 3 में क्या होगा, उसमें भी x एंड y ही होंगे हमारे पास, ठीक है। अब इसको ड्रा कर रहे हैं हम टेबल नंबर 3 को, तो लेकिन इसमें वैल्यूज क्या है, 0 से लेके 2 के दरमियान है। तो लीनियर के अलावा ये बात याद रखना है, कोई भी फंक्शन आ जाए तो आपको 3 कम से कम आपको 5 पॉइंट चेक के चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 2 पे। तो 0 2 के दरमियान हमें 5 पॉइंट चाहिए ताकि हम इस x क्यूब माइनस 1 का ग्राफ ड्रा कर सकें, क्योंकि f3 जो था हमारे पास वो लीनियर नहीं था, यानी कि f3 ऑफ x जो क्या है हमारे पास यहाँ पे है x क्यूब माइनस 1। तो x की वैल्यू स्टार्ट तो बाउंड्री पॉइंट से ही होगी जो कि हमारे पास 0 है, तो 0 से स्टार्ट किया। अब इनमें ब्रेक कितनी लेनी है कि हमें 2 तक पहुंचना है, लेकिन हमें इस तरह से हमने x में गैप लेना है कि 5 आपके पास पॉइंट से लोकेट हो सकें। तो 0 ले सकते हो, फिर 0.5, 1, 1.5 एंड 2, इनको अगर आप काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इनको आप जस्ट इस पर पुट करना है x क्यूब माइनस 1 में, 0 पुट करेंगे तो 0 क्यूब 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब 1 माइनस 1 0, 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7। तो 0.5 और 1.5 का जरा कैलकुलेटर से देखो क्या आता आंसर, अगर 0.5 का क्यूब लेके माइनस 1 करो तो आंसर क्या मिलेगा। और सिमिलरली 1.5 का भी देखें जरा, 1.5 को अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो 1.5 का क्यूब माइनस 1, उसका क्या आंसर आएगा। इन दोनों के आंसर मुझे बताएं, तब तक हम नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं। टेबल नंबर 4 है, तो टेबल नंबर 4 के लिए क्या होगा, ये फंक्शन लेना पड़ेगा। ये फंक्शन क्या है, 0 है। जब ये भी 0 है तो वैल्यू क्या लेनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे जी, x ओवर है y, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक बाउंड्री पॉइंट 2 ले लिया हमने, और उसके ग्रेटर कोई भी एक लेट से मैंने 4 ले ली, लेकिन क्योंकि फंक्शन क्या था, कॉन्स्टेंट था 0, तो उसकी जगह पे फिर आप जो मर्जी पुट करें आंसर वुड बी द 0 अगेन। तो ये हमारे पास अब इनके टेबल्स बन गए, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 एंड टेबल नंबर 4। पीस वाइज फंक्शन में 4 डिफरेंट फंक्शन गिवन थे, इनके 4 रोज थी, और चारों फंक्शन डिफरेंट डोमेन की वैल्यूज के लिए डिफाइंड थे। तो हमने क्या किया, उन्हीं डोमेन की वैल्यूज के अंदर से एक्स की वैल्यूज पिक की और फंक्शन के अंदर पुट करके, तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हमारे लिए ड्रा हो गए, ठीक है। जब टेबल बन गए तो अब आगे कोई काम नहीं बचा, अब सिर्फ वही रह गया कि इन टेबल्स जो पॉइंट्स आए हैं इनको हमने लोकेट करना है, ठीक है। तो हम जाएंगे जी ग्राफ में,
तो पहले हमारे पास आ गया जी यहाँ पे लेट्स से वाई एक्सिस, और ये आ गया जी हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो हेयर इज वन टू, वैल्यू जाने कहाँ तक है हमारे पास, ओके 1.5 पे वो कह रहे हैं 3.375, तो 0.5 पे क्या आएगा 0.125, ओके गुड हो गया। अब ये वैल्यूज हम अभी इनको यहाँ पे लोकेट कर देंगे, ठीक है जी। तो पहले मैं ये वैल्यूज लिख लूँ, लेट्स से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो -1, -2, -3, -4, -5, और वाई की वैल्यूज आपने देखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू आपके टेबल में है कौन सी, 7 वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपने 1-1 का गैप ले सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, -1, -2, -3, -4, -5। अब टेबल वन से शुरू करें, टेबल वन के पहला आउटर पेयर क्या है, x-4 पे y-4, x-4 पे y-4, x-4 ये डॉटेड लाइन और y-4 हमें ये डॉटेड लाइन मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट ये आ गया, और दूसरा पॉइंट क्या आएगा जी हमारे पास -5 पे फिर -4, तो -5 पे भी -4, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है जी। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए, ये जो मैंने रेड में मार्क कर दी ये टेबल नंबर वन की मदद से, ठीक है जी। तो जब ये दो पॉइंट्स मार्क हो गए तो इनको अब ये देखें कि इसमें देखें अब ये कहाँ पे जा रहे हैं, <(-4)> यानी कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो -4 से हमने स्टार्ट की स्ट्रेट लाइन और ये किधर चली गई थी, इनफिनिटी की तरफ हमने इसको अप्रोच करवा दिया, और सर्कल हमने फिल किया क्योंकि यहाँ पे क्या था, इक्वालिटी थी, लेस देन इक्वल टू 4 था, तो ये सर्कल हमने फिल कर दिया। तो ये टेबल वन का पहला पीस हमारे पास यहाँ पे ड्रा हो गया। उसके बाद टेबल नंबर 2 पे जाते हैं, तो 4 पे क्या है, माइनस, और 4 पे 5 है और 0 पे 1, तो 4 पे 5 हम लोकेट करते हैं और 0 पे 1, x0 पे 1 जो है वो क्या मिलेगा जी, x0 पे y1, तो ये ब्लू में एक पॉइंट मिल गया, और x4 पे x greater than 4, 4 पे हमें क्या मिल रहा है जी, 5 मिल रहा है, तो 4 पे हमें क्या मिल गया जी, लेट्स से 5, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अब ये क्या था जी, लीनियर था, x plus 1 लीनियर था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या कर दिया जी, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो सर्कल 4 वाले पे सर्कल फिल नहीं होगा और 0 वाले पे फिल होगा, ओके, x greater than के साथ इक्वल नहीं है, जो 4 वाला जो पॉइंट है, 4.5 वाला जो पॉइंट है वहां पे सर्कल ने फिल नहीं होना, ये एम्प्टी देगा, ठीक है जी। तो ये दूसरा टेबल भी हमने, टेबल की मदद से हमने दूसरा ग्राफ का पीस भी हमने ड्रा कर दिया। आगे यार 0 से लेके 2 तक, और 0 से लेके 2 तक अगर आप देखें, ओके, ये एक्चुअली, हाँ इसमें एक मिस्टेक मैंने की कि x greater than 4, एक्चुअली इसको -4 होना चाहिए, ठीक है, ओके, हमने -4 पे एंड किया था ना, तो ये -4 से ही हम लेते हैं, तो ये -4 से लेकर 0 तक है, तो इट मीन टू से यहाँ पे क्या होना चाहिए, x-4 होना चाहिए, ठीक है जी। तो -4 and 5, तो x-4 पे हमें क्या मिलेगा जी, 5 मिलेगा, ठीक है। तो x-4 पे 5 कहाँ पे होगा, अगर देखें तो -4 पे 5 ये x-4 है, और यहाँ पे 5 ये पॉइंट आ गया, तो ये -4 and 5, तो पहला पॉइंट ब्लू में ये है हमारे पास, और दूसरा क्या था जी, 0 पे
अगर जीरो पुट करोगे तो वो आपको वन ही मिलेगा, तो जीरो पे क्या मिला, वन मिला, तो ये पॉइंट एज इट इज रहा। इन दोनों को आप अब मिला दो, तो ये पॉइंट अगर हम इनको मिला देंगे विद द स्ट्रेट लाइन तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। पर अब एम्प्टी कौन सा होना है इसमें से, माइनस फोर वाला पॉइंट, को माइनस फोर पे इक्वालिटी नहीं है, तो माइनस फोर जो है इसको आप क्या रखें जी, एम्प्टी रखें, इसको आपने फिल नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद अगले टेबल पे जाते हैं, जीरो से टू है, तो जीरो पे पहला पॉइंट क्या है, एक्स जीरो पे वाई माइनस वन मिल रहा है, तो एक्स जीरो पे वाई माइनस वन हम लोकेट करते हैं, तो एक्स जीरो पे वाई माइनस वन, तो एक्स जीरो पे वाई माइनस वन, ये रेड में मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया। उसके बाद 0.5 पे 0.125, तो ये 0.5 है और यहाँ पे 1.25, तो एक नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, x x इक्वल टू 1। ओके, ये 0.125 माइनस में है या पॉजिटिव में है, ये तो आपने लिखवाया था मुझे अभी, ये पॉजिटिव में था सर, ऊपर इसमें पुट करेंगे 0.5 का क्यूब, चेक करो जरा, 0.5 का क्यूब माइनस वन, सॉरी सर ये तो मैंने सिर्फ अगला क्यूब ही लिया, तो वही करना, ये हमें इसके अंदर पुट करना था ना, तो सर ये हो जाएगा फिर ये माइनस माइनस 0. माइनस 1.125 हो जाएगा, ये नहीं नहीं माइनस 0.725 हो जाएगा, 775 हो जाएगा, पुट कर एक मिनट से मैं दोबारा करता हूँ, माइनस वन 0.125 का क्यूब लेके उसको माइनस वन करना, यस सर वही कर रहा हूँ, माइनस 0.875 आ रहा है, 0.5 पे माइनस 0.8 आएगा हमारे पास, तो दैट वुड ओवर हियर, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा यहाँ पे कर 0.875 का। उसके बाद 1 पे 0 ये पॉइंट, और 1.5 पे क्या जी आपने बताया मुझे 3.375, तो डेट वुड बी ओवर हेयर, और 2 पे क्या हमारे पास जी 7, तो डेट वुड बी ओवर हेयर, तो ये बस ग्राफ आ गए, पॉइंट आ गए, इनको मिला दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, थर्ड पीस हमारे पास ये कर्व शेप यहाँ पे ड्रा हो जाएगी, समझ लगी बात, तो आपको ये टेबल नंबर 3 हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। टेबल नंबर 3 के बाद जब टेबल नंबर 4 पे जाएंगे तो उधर क्या है हमारे पास के इसमें अगर हम देखें तो 2 पे क्या है 0, तो 2 पे 0 हमें यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा 2 पे 0, एंड देन 4 पे भी 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 वाला को हमने
फिल कर दिया। अब जब टू से फोर में जाओगे तो वो क्या आगे ग्रेटर देन इक्वल टू इनके शो चलता जा रहा है। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया थी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, फोर्थ वाला पीस भी हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। तो यानी कि ये फर्स्ट जो था ये फर्स्ट टेबल से आ गया, ये सेकंड टेबल से, ये थर्ड टेबल से बना। क्योंकि ये देखें ये कर्व बन रही थी हमारे पास, ये कर्व क्यों बन रही है यहाँ पे, क्योंकि ये किसका था, थर्ड टेबल था जो कि एक्स क्यूब माइनस वन का था। तो एक्स क्यूब क्या देता है आपको, हमेशा एक कर्व शेप देता है। तो उसी का आपने एक पीस पिक किया, तो देयर फॉर एक वो कर्व भी शेप हमारे पास यहाँ पे ड्रा होगी। आगे जीरो था जो कि कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो जीरो पे ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई हमारे पास। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ये लो, इसको देखो, कोई चीज पूछ, कोई चीज समझ में ऐसी है जो ना समझ में आई हो तो पूछ लो मेरे से। ओके, तो ये हमने बना लिया जी यहाँ पे पीस वाइज ग्राफ बन गया हमारे पास, ठीक है। जब पीस वाइज ग्राफ बना लोगे तो कोई भी आपके पास फंक्शन आ जाए, डजंट मैटर फंक्शन क्या है, हमेशा जितनी भी रोज है उनको उनकी डोमेन के हिसाब से बाउंड्री पॉइंट लाजमी लेने हैं, पहले बनाने हैं टेबल्स। अगर लीनियर है या कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो सिर्फ दो पॉइंट चाहिए होंगे, लेकिन अगर लीनियर के अलावा नॉन लीनियर कोई भी फंक्शन आपको गिवन है तो आपको हम हमेशा एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लाजमी रिक्वायर हैं। तो वो 5 पॉइंट्स लेके आपने क्या बनाना है, टेबल, और टेबल बनाने के बाद उन पॉइंट को मिला दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली आपका पीस वाइज ग्राफ बन जाएगा। और जिस बाउंड्री पॉइंट पे इक्वालिटी है वहाँ पे सर्कल फिल करना है, जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है वहाँ पे सर्कल्स क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब की बात की जाए, क्यूब माइनस वन, जीरो से टू, तो दोनों जगह पे इक्वालिटी नहीं है। इट मीन टू से इसके जो बाउंड्री पॉइंट बनेंगे ये वाले एक्स क्यूब वाले के, इन दोनों में क्या होगा, एम्प्टी सर्कल होगा, इनमें सर्कल को हमने फिल नहीं करना होता। इन सर्कल्स का भी आपने ख्याल रखना है कहाँ पे सर्कल फिल होगा कहाँ पे सर्कल फिल नहीं होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एनीवन? सिद्धार्थ आप वैसे भी आज लेट आए हो, सिद्धार्थ लास्ट क्लास में भी नहीं है, सिद्धार्थ काम को कोई नहीं कर रहा। अब मैं असाइनमेंट चेक करूंगा तो पता चलेगा क्या किया उसमें आप लोगों ने। ओके बच्चे, ओके। सो ओके, ये हमने पीस वाइज ग्राफ बना लिया। अब नेक्स्ट देखें, कोर्स ऑर्डर पे जाते हैं। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कंप्लीट हो गए, आगे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब ये देखना है कि हमने कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली ये भी एक पीस वाइज ग्राफ ही होता है, पीस वाइज फंक्शन ही होता है, लेकिन एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं आज मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैल्यू फंक्शन, इसमें क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सिद्धार्थ काम करो साथ साथ, सिर्फ 3 स्टूडेंट हो आप क्लास में और आप भी काम नहीं कर रहे, तो आज क्विज है। देखो अब मैं एंड पे क्विज लूंगा, अभी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन करवा लूं, देन लेट्स सी कि आप क्या करते हो, क्या परफॉर्मेंस देते हो। असाइनमेंट्स भी आपकी मैंने कल चेक करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एब्सोल्यूट फंक्शन में के देयर इज अ, अगर हमारे पास एक्स है ग्रेटर देन जीरो एंड पहले नेगेटिव इनफिनिटी लिखते हैं कि एक्स लेस देन जीरो ग्रेटर देन
नेगेटिव इन्फिनिटी और डिफिनिटी एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि आपके पास जो नंबर लाइन होती है उसको दो हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया। ये जो हिस्सा है ये बता रहा है पॉजिटिव वैल्यूज और फिर ये बताएगा सारी की सारी नेगेटिव रियल लाइन, क्योंकि ये देखें क्या एक्स लेस देन जीरो है। एक्स जब लेस देन जीरो लिखा हुआ है तो बेसिकली आप ये इसी सेम इंफॉर्मेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो। इन्फिनिटी ना भी लिखें तो दोनों बेसिकली सेम सेंस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमने मैं नंबर लाइन ड्रा करूं तो इस नंबर लाइन में अगर लेट्स से यहाँ पे जीरो है हमारे पास और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और यहाँ पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो ये हिस्सा क्या है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला और ये हिस्सा क्या है एक्स लेस देन जीरो वाला, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे बेसिकली ये हिस्सा क्या है बाउंड्री पॉइंट है। अब ये क्या है ये डिफाइन कैसे होता है कि देर वुड बी अ माइनस एक्स एंड देर वुड बी अ प्लस एक्स, इसको हम कहते हैं इस तरह के पीस वाइज फंक्शन जो कि बिल्कुल ये जो एग्जैक्टली आपको सामने मैंने लिखा होगा, तो डेट इज कॉल्ड अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। बट इसका पर्टिकुलर नाम क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मीन के इसके अंदर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो आपको आंसर क्या मिलता है बेसिकली पॉजिटिव नंबर मिलता है। इसको समटाइम द मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं और इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्स के या किसी भी नंबर के बोथ साइड पे बार लगा हो इसको हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और ये करता क्या है कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दो, अगर लेट्स से अगर आप माइनस फोर का भी मोड ले लोगे तो यू विल गेट फोर, और अगर फोर का मोड लोगे तो फिर भी आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव फोर ही मिलेगा। यानी कि नेगेटिव नंबर का मोड लो या पॉजिटिव नंबर का मोड लो तो दोनों में ही आपको क्या मिलता है जी सेम आपको आंसर मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना कि नेगेटिव फोर का मोड हो या पॉजिटिव फोर का मोड हो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जैसे अगर बार लगी हुई है, अगर वो मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, तो वो आपको आंसर में क्या देगा जी पॉजिटिव ही देगा। इसको हम ये भी कहते हैं कि दैट इज अ डिस्टेंट फंक्शन। ये एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है कि किसी भी चीज का जीरो से यानी कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर लेट्स से यहाँ पे लेट्स से हमारे पास वन है और इधर टू है और यहाँ पे इधर जी माइनस वन है और इधर माइनस टू है, तो अगर आप टू का डिस्टेंस जीरो से देखें तो वो टू ही होगा और माइनस टू का डिस्टेंस अगर जीरो से देखो तो वो अगेन क्या होगा टू होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं और दैट इज अ मॉडुलस फंक्शन। और करता क्या है ये कि आपको बेसिकली हमारे पास नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर को मैथमेटिकली उसका आंसर क्या दे देता है पॉजिटिव दे देता है, क्योंकि दैट इज द डिस्टेंस और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है। किसी दो चीजों में डिस्टेंस बताना हो तो पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं होता। तो ये होती रही हमारे पास आपको मैंने बता दिया अंडरस्टैंडिंग के व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस क्या होता है और बेसिकली जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है उस नंबर का। अगर लेट्स से मैंने माइनस फोर लिखा है तो माइनस फोर का जब मैंने साइड में बार लगाई तो ये बार क्या बता रही है कि आप माइनस फोर का डिस्टेंस बताएंगे ओरिजिन से कितना होगा, दैट वुड बी प्लस फोर, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारे पास उसकी बैक एंड पे फिलोसफी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन करता गया। अब क्योंकि इसको हमने पीस वाइज फंक्शन के तौर पर डिफाइन किया हुआ है तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ अगर बनाना है तो अगेन वही माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक फंक्शन क्या है माइनस एक्स और जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या है प्लस एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब फिर वही बात के टेबल वन बनेगा इधर पहले दैट वुड बी एक्स एंड y over here, x क्या होगा हमारे पास x की हमारे पास आपने वैल्यू क्या लेनी है टेबल वन के लिए कि अब ये क्या जी लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव वैल्यू लेनी है और ये है क्या लीनियर फंक्शन x इज अ लीनियर फंक्शन। तो आपको कोई सी भी दो नेगेटिव वैल्यूज इनफ है तो आप लेट्स से माइनस वन ले लें और एक लेट्स से हम माइनस थ्री ले लेते हैं,
तो जब उसके अंदर आप पुट करेंगे तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स के इक्वल है। तो एफ वन क्या था हमारे पास, ये एफ वन ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू माइनस एक्स। जब इसमें पुट करोगे माइनस वन तो एफ वन ऑफ माइनस वन डेट बी माइनस इन टू माइनस वन एंड यू विल गेट वन ओवर हियर, तो ये वन मिल जाएगा। सेम इस तरह से आपको यहाँ पे थ्री मिल जाएगा। जब टेबल टू बनाओगे उसमें भी x और y और ये भी लीनियर फंक्शन है हमारे पास। जब ये लीनियर फंक्शन है तो आप इसमें क्या पुट कर दोगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दोगे। वन टू थ्री इक्वल जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी क्या होती है, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो आप इसमें जीरो भी पुट कर सकते हो, वन भी पुट कर सकते हो, टू कोई भी दो वैल्यू। तो लेट्स से हमने इसमें क्या पुट कर दिया, यहाँ पे जीरो पुट कर दिया और वन पुट कर दिया। तो एफ टू ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, दी यहाँ पे एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो जब हम इसमें एफ टू ऑफ जीरो पुट करेंगे तो वी विल गेट जीरो ओवर हियर, ठीक है। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है सर? ओके ओके बच्चे, ऐसे में कॉल आ गई थी। ओके सो अब हमारे पास जीरो वन, तो अब फिर जीरो पुट करेंगे तो यू विल गेट जीरो, वन पुट करेंगे तो वन। वो पुट किसके अंदर करना था, एफ टू एक्स इज इक्वल टू एक्स के अंदर पुट करना था। तो जब जीरो पुट करोगे जीरो मिल जाएगा, वन पुट करोगे वन, टू पुट करोगे टू। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव एक्स था तो कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो यही बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में दे रहता है। तो ये उसको हमने डिफाइन किया हुआ पीस वाइज की फॉर्म में। फिलॉसफी आपको मैंने बता दी, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब टेबल की मदद से हम उसका ग्राफ बनाएंगे, तो हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो लेट्स से अब हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, लेट्स से वाई एक्सिस ओवर है, here is x, here is y, 1 2 3, minus 1 minus 2 minus 3, 1 2 3, minus 1 minus 2 minus 3। तो अब टेबल में अगर हम जाएं तो टेबल में क्या है कि जीरो पे जीरो है हमारे पास, ये पॉइंट आ गया। वन पे क्या मिल रहा है हमें, वन मिल रहा है। इस तरह टू पे आपको क्या मिलेगा, फिर टू मिलेगा, थ्री पे आपको थ्री मिलेगा। नेगेटिव साइड पे जाओगे तो माइनस वन पे वन है, तो माइनस वन पे वन, फिर ये पॉइंट मिल गया। माइनस टू पे प्लस टू है तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और माइनस थ्री पे प्लस थ्री है तो यू विल गेट दिस पॉइंट। तो इन पॉइंट को जब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये अल्टीमेटली हमारे पास पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा, जो कि ये वी शेप होता है। एब्सोल्यूट फंक्शन का याद रखना कि जब भी ग्राफ बनाओगे एब्सोल्यूट फंक्शन का, तो वो क्या होगा, हमेशा एक वी शेप ग्राफ होगा। समझ में आ गई बात? जी सर।
ओके तो ये हमने एब्सोल्यूट फंक्शन भी देख लिया, दैट इज आल्सो अ पीसवाइज फंक्शन जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन और मैथमेटिकली नेगेटिव वैल्यूज को हमेशा आंसर ये पॉजिटिव देता है, और इसको हम ये बार की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और पीसवाइज फंक्शन कोई भी आ जाए आपको उसका इस तरह से ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए टेबल की मदद से, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ओके लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है पीसवाइज फंक्शन को ड्रा करने के बारे में या एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर आपको मैं क्विज देता हूँ, आप वो क्विज करें। और 12 हो चुके हैं तो 12:20 मिनट्स होंगे और 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दूंगा सबमिशन के लिए, पीडीएफ बना के उसको आप सबमिट कर देना, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक कोई चीज पूछनी है क्विज टीम्स पे करवाना बच्चे टीम्स के ऊपर ही, ठीक है सर, ठीक। ओके बच्चे ओके। इससे पहले जो आपका क्विज हुआ है उसमें क्या था, ओके क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को साथ आपको नोट कर लें। ये क्वेश्चन है बच्चे, और सर इसकी सबमिशन वो मैं बना देता हूँ अभी, वो मैं टीम पे बना देता हूँ, टीम्स के ऊपर ही आपने सबमिट करवाना, क्वेश्चन नोट कर लें और 12:20 तक टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। इसको सॉल्व करके पीडीएफ बना के ग्राफ बनाना है, पहले कोई फाइंड करनी होगा ग्राफ बना के और आपने 12:20 तक इसको टीम्स पे अपलोड कर देना, ठीक है। और जब तक आप क्विज कर रहे हैं आपने क्लास लीव नहीं करनी, क्विज सबमिट करवा के देन आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्विज स्टार्ट कर दो आप लोग, मैं सबमिशन बना रहा हूँ।
इसके बाद आपकी क्लास है आपकी मुस्तन सर और तो की वगैरह तो फिर आपकी क्लास है इसके बाद
ओके स्टूडेंट्स, आपको दो डिफरेंट क्विज मैंने अपलोड कर दिए हैं, क्विज वन और टू, इनके अलग अलग क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं। एक में मैंने इनइक्वालिटी पूछी है और एक में मैंने आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन का मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके तो सिंगल पीडीएफ में, इनके दोनों के डिफरेंट पीडीएफ होने चाहिए, लेकिन पीडीएफ की फॉर्म में आप उसे अपलोड कर दीजिएगा। दोनों के ड्यू टाइम्स मैंने डिफरेंट रखे हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है।